तो जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ड है कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो भी जिसकी प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर का आत्मा आज उन्हें छू रहा है, तो उस समय की हम वीडियो क्लिप को देखेंगे। अगर आपके परिवार में कोई भी हॉस्पिटल में आज वो छूट जाए, यस खुद आ रही साधु, यस टच टच इन द नेम ऑफ जीसस। इस सिस्टर का नाम पूजा है और जे विजयनगर अमृतसर विजयनगर के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे हैं कि जब जे इनकी जो छोटी बेटी है इसकी गवाही है, जे बता रही है कि जब जे 1.5 साल की थी उस समय से जे रात के समय बहुत ज़्यादा रोती थी। जे बता रही है कि जे जैसे जे रोना शुरू कर देती थी तो कभी इसको जे फीवर की मेडिसिन दे देते, कभी इसको ऐसे इनको लगता शायद पेट में ना कोई प्रॉब्लम हो, कभी इसको गैस की मेडिसिन दे देते। और जे बता रहे कि जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे और जे रात के समय बहुत ज़्यादा रोती थी। और जे बता रहे कि कभी कभी इनके मदर भी बहुत ज़्यादा जे बता रहे कि इनको भी गुस्सा आ जाता था, क्योंकि जे बता रहे कि इसके कारण जे भी काफ़ी परेशान हो जाते थे। और जे बता रहे कि ऐसे करते जे बता रहे कि अभी जे इनकी बेटी 5 साल की हो गई है और 1.5 साल से लेकर 5 साल तक इसकी प्रॉब्लम जे बनी रही। जे रात के समय बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा जे परेशान हो चुके थे, मेडिसिन भी दे रहे थे और जे बता रहे फिर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और जे बता रहे कि जैसे ही पिछले नवंबर मंथ में जे बता रहे कि इनकी बेटी को सबसे पहले फीवर की प्रॉब्लम हो गई और जे फीवर की मेडिसिन ले रहे थे, फिर इसके पेट में दर्द शुरू हो गया और जे उसकी भी मेडिसिन इसको दे रहे थे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जिस डॉक्टर से जे मेडिसिन खा रहे थे जिस हॉस्पिटल से, तो उन्होंने इनको बोला कि आप सब इसके टेस्ट कराए, इसके पेट के भी अल्ट्रासाउंड सब टेस्ट करवाए। तो जे बता रहे कि जैसे ही मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा, जब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसके पेट में 8 mm का गोला है, इन्फेक्शन का गोला बना है, जिसके कारण आपकी बेटी का फीवर और इसके जो पेट में दर्द कम नहीं हो रही और आपको जल्द ही इसका ऑपरेट कराना होगा, क्योंकि अगर आपने ना करवाया तो इसकी जान को खतरा है। तो जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने एक और हॉस्पिटल भी चेक कराया, तो उन्होंने भी बोला कि आप इसको इसी समय आप इसको चंडीगढ़ PGI से ले जाएं, क्योंकि जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं है और नहीं कर सकते हम। और जे बता रहे कि जिसके कारण जे बहुत ही परेशान हो चुके थे, जे बता रहे कि जे काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि जो इसके पेट में इन्फेक्शन का 8 mm का गोला है, किसी समय वो फट सकता है और जो इन्फेक्शन बॉडी में फैल सकती है और आपके आपके पास समय बहुत कम है। तो जे बता रहे कि जैसे फिर इनको तुरंत ही चंडीगढ़ जाना पड़ा और जे बता रहे जब वहाँ पर जाकर जैसे इसके सब टेस्ट हुए और जे बता रहे कि वहाँ पर भी सेम जे जब उन्होंने टेस्ट चेक किए तो जो प्रॉब्लम इसकी जे थी कि जे ही थी इन्फेक्शन का गोला जो 8 mm का। तो जे बता रहे कि डॉक्टर ने बोला कि जैसे इसका प्रेट होगा तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो उस समय जे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और जे सिस्टर जैसे ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते थे, और क्योंकि जो इनके जे मदर हैं और जे इनके लिए विश्वास करते थे कि परमेश्वर इनके भी जीवन को ऐसे बचा चुके। और जे बता रहे कि जैसे फिर जे लगातार काफ़ी समय से ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे और जैसे फिर इन्होंने प्रेयर टावर में ऐसे कॉल की, टीम को बताया, तो जे बता रहे उस समय फिर इन्होंने हॉस्पिटल की उस समय की वीडियो को भेजा। पहले हम उस वीडियो को देखेंगे। था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जैसे इसका ऑपरेट होगा तो उस समय जो इन्फेक्शन का गोला है, किसी समय भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन ऑपरेट करते समय इन्फेक्शन फैल गई तो इसको खतरा है। हम इसका आपको कोई भी जब डॉक्टर ने कहा कि हम इसकी गारंटी नहीं देंगे पर हम इसका ऑपरेट करेंगे। तो जो बता रहे हैं कि जैसे फिर इन्होंने जब वीडियो भेजी, इनको टीम ने और भी उत्साहित किया और उस दिन संडे की मीटिंग थी तो इनको टीम ने उत्साहित किया कि आज आपने मीटिंग को अटेंड करना है ऑनलाइन। और उस दिन
19 नवंबर का दिन था और जब बता रहे कि संडे की मीटिंग को फिर इन्होंने ऑनलाइन ही अटेंड किया, मीटिंग को देखा और जैसे ही परमेश्वर के दास दुखियों बीमारियों के लिए मास प्रेयर कर रहे थे, तो जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ड आया कि जो लोग हॉस्पिटल में जो भी जिसकी प्रॉब्लम है तो परमेश्वर का आत्मा आज उन्हें शूर आए, तो उस समय के हम वीडियो क्लिप को देखेंगे। अगर आपके परिवार में कोई भी हॉस्पिटल में आज वो शूट जाए, यस को दार या साधो, यस टच टच इन द नेम ऑफ जीसस, हील हो जाओ। और जैसे इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, क्योंकि इस बात का क्योंकि इन्होंने संडे मॉर्निंग की टीम को बताया था और इसके बारे में परमेश्वर के दास को नहीं पता था, और जैसे ही क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सबको जानता है, जैसे जो वर्ड पावरफुल वर्ड परमेश्वर के दास के द्वारा आया कि जो लोग हॉस्पिटल में परमेश्वर का आत्मा उन्हें शूर आया, उन्हें आज़ाद करने वाला है, तो जैसे ही इनके लिए इस प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, तो जो बता रहे कि फिर डॉक्टर ने जैसे इनकी बेटी का ऑपरेट करना शुरू किया, तो इन्होंने विश्वास से धन्यवाद देते रहे कि जो वर्ड जो वचन खुदा आपकी ओर से आया है, आप हमारी बेटी का ऑपरेट बिल्कुल नॉर्मल कर चुके हो। तो जो बता रहे कि जैसे ही ऑपरेट हुआ तो बिल्कुल जो बता रहे कि ऑपरेट के समय कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो कि डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, जो इन्फेक्शन का गोला है वो फैल सकता है, जिसके कारण आपकी बेटी की जान भी जा सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो उस समय इनकी फैमिली, इनके बच्ची के फादर साहब भी बहुत ज़्यादा उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, पर इनका विश्वास था कि जो इन्होंने वचन को रिसीव किया परमेश्वर हमारे लिए कर चुके। तो जैसे ही जो बता रहे कि ऑपरेट हो गया और उसके बाद डॉक्टर ने फिर इनको बोला कि जो डॉक्टर ने पाइप डाली थी इन्फेक्शन निकालने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये पाइप बिल्कुल सही निकाली गई तो फिर उसके बाद आपकी बेटी का प्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, पर अगर पाइप निकालने के समय भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर से कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही फिर इन्होंने फिर से प्रेयर टावरी में कॉल की, तो इनको और भी उत्साहित किया गया कि जो परमेश्वर आपके लिए प्रेड का सब कुछ उस समय सही कर सकते हैं, तो पाइप के जब निकालेंगे उस समय भी आपने वही विश्वास देना है, कुछ नहीं होगा और आपने डरना नहीं, आपने विश्वास करना है। तो जो बता रही कि जैसे भी डॉक्टर ने पाइप निकाली, हम उस समय की वीडियो को भी देखेंगे। हमने वीडियो में देखा कि डॉक्टर पाइप निकाल रहे थे और जैसे पाइप भी निकल गई और फिर से डॉक्टर ने इनको बोला कि हम इसके बाद हम इसके सारे फिर से टेस्ट करेंगे, इसका एक्सरा करेंगे, ताकि जो पाइप है वो भी सही तरह से निकल गई और जो ऑपरेट पूरा सक्सेसफुल हो गया है। और जैसे फिर डॉक्टर ने फिर से सब रिपोर्ट्स और इसका एक्सरा किया, तो हम उस रिपोर्ट को देखेंगे। तो जैसे उस रिपोर्ट को डॉक्टर ने इनको बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटी का प्रेट बिल्कुल नॉर्मल है और जो पाइप निकाली है हम अभी उसका भी एक्सरे देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि एक्सरे में पाइप जो उन्होंने निकाली थी उसका भी, जो उन्होंने अंदर पाइप डालकर जो निकाली थी वो भी डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सच में जैसा वचन जो खुदावन के दास के द्वारा आया था उसी समय जो परमेश्वर की सामर्थ ने इस बच्ची को छुआ। और जो बता रही है कि सच में परमेश्वर ने इस बच्ची का ऑपरेशन प्रेड नॉर्मल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल है, एक्स्ट्रा भी नॉर्मल है और आज इनकी बेटी बिल्कुल अच्छी है, कोई दर्द नहीं है, कोई फीवर नहीं है, और परमेश्वर ने इस बड़ी महिमा को इनके जीवन में प्रकट किया है। हम सब जोर से अपने हाथों को हिलाते तारीफ करेंगे, कलीसिया जोर से तारीफ करेंगे।
Amen. Hallelujah. कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. जो काम डॉक्टर से भी नहीं होता वो किससे हो सकता है, क्योंकि जीसस क्या है? क्या है जीसस? क्या है जीसस? डॉक्टरों का बोलो डॉक्टर, डॉक्टर जीसस वो सब कर सकता है. उस डॉक्टर जीसस के लिए तारीफ करो. जो कम की तो नहीं हो सकता, ओ यीशु नाम ची हो जावे. जो कम की तो नहीं हो सकता, ओ यीशु नाम. माइक देना इन्हें, माइक इस बेटी की मम्मा को माइक दो. क्या नाम है आपका? पूजा नाम. कहां पर रहते हैं आप? विजयनगर. कब से आप हमारी मिनिस्ट्री को वॉच कर रहे हो? यही जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तब मैंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की थी. अटेंड करना शुरू किया. हाँ जी, जो विश्वास था. ये प्रॉब्लम इसे 1.5 साल से थी. हाँ जी. और धीरे धीरे बढ़कर. हाँ जी. ये रात को सोती नहीं थी. सोती नहीं थी. हाँ जी, वो रोती थी. ओके. और जब इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, जब आप इस डॉक्टर के पास आप लेकर गए, तो क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर ने बोला कि इसके टेस्ट करवाओ. और जब टेस्ट कराई तो पेट में क्या आ गया? गोला आया था. किस चीज का? पस का गोला था. पस का मतलब गोला था, इन्फेक्शन का. हाँ जी. और डॉक्टर ने कहा कि हम इसको ऑपरेट करेंगे. हाँ, पर हमारी कोई गारंटी नहीं है. हाँ जी, ऐसे बोला. अगर ये गोला फट गया तो खतरा है. खतरा है, हमारी कोई गारंटी नहीं. हम कोशिश करेंगे. हाँ जी. पर आपने उन दिनों में हमारी इस मिनिस्ट्री को वॉच किया, मतलब देखना शुरू किया. हाँ जी. आप पहले भी विश्वास करती थी कि जब प्रॉब्लम आई? मैं पहले भी करती थी. पहले भी करती थी. हाँ, कितने समय से करती थी? अभी मेरे को जब से मम्मी जाने लगी है ना. अच्छा, जब से मम्मी जाने लगी है. हाँ, तब से अपने विश्वास किया है ना. हाँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ. ओके. तो फिर अपने जब आप मीटिंग देख रहे थे, तो क्या आपके मन में आया कि डॉक्टर तो बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? तो मेरे को विश्वास था ना. हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है. हाँ जी. अपने टीम से बात की? हाँ जी. उन्होंने समझाया? हाँ जी. परमेश्वर कौन है? हाँ जी, हाँ जी. आपको समझ आ गई? हाँ जी. कि वो लोगों का धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है. हाँ जी. और आपने विश्वास किया? हाँ जी. कि ये जो तो प्रॉब्लम है, ये पाप की है. हाँ जी. और जीसस ने अपना पवित्र ब्लड देकर हमें मुक्त किया है. हाँ जी. आपने जब विश्वास किया और डॉक्टर बोल रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, हम कोशिश करेंगे. हाँ जी. पर जब आपने विश्वास किया तो वो ऑपरेट क्या हुआ? सक्सेसफुल. हाँ जी. बिल्कुल अच्छा हो गया. हाँ जी, पर अच्छा. वो तो हो गया. हाँ जी. पर दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई? कि पाइप बोल रहे थे कि हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि पाइप निकाल देंगे तो देखेंगे कि बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बाद में नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं फिर से कोई पस अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है. हाँ जी, हाँ जी. पर जब वो तो, भी निकाली तो बिल्कुल ठीक था. बिल्कुल ठीक हो गया. फिर से सारे टेस्ट हुए तो फिर से सारे टेस्ट हुए बिल्कुल नॉर्मल. सब रिपोर्टें नॉर्मल आई. हाँ, अभी ये बिल्कुल बच्ची अच्छी है यार, आराम से सोती है. अभी कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. खुदावंद ने पूरी तरह से इसे क्या कर दिया है? फ्री कर दिया. कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं इस गवाही से? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम उस खुदा के लिए बड़ी नहीं है? पर उसके लिए विश्वास चाहिए. जीसस ने कहा विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है? कुछ कुछ के सब कुछ. जोर से बोलो हालेलुया. कुछ कुछ हो सकता है कि सब कुछ हो सकता है? कर सकता है परमेश्वर? कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मैं भी फ्री होकर जाऊंगी, मैं जाऊंगा? कितने विश्वास करते हैं इस गवाही से? क्योंकि खुदावंद के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है. बोलो क्या है? परमेश्वर के लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है. हमें खुदावंद हमारा विश्वास चाहता है. और जिसके अंदर है, जैसे 12 साल की स्त्री के अंदर जिसको लहू बहने की क्या थी बीमारी,
उसके अंदर ये विश्वास था कि मैं उसका पल्ला भी छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। कितने विश्वास करते हैं इस गवाही से कि आज मैं भी चंगी होकर जाऊंगी, मैं भी चंगा होकर जाऊंगा। इसे खुदावंद, ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे केस बड़े क्रिटिकल केस होते हैं। बोलो क्या है, अगर आप मेडिकल लाइन की नॉलेज रखते हो तो ऐसे केस बड़े क्रिटिकल केस होते हैं, इनमें 50-50 होता है। क्या होता है, 50-50 चांस होते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर खुदावंद ने करके दिखाया। जो कम की तो नहीं हो सकता, ओ यीशु हाथों को उठाकर तारीफ करें। जो कम की तो नहीं हो सकता, ओ यीशु नाम जी हो जाने। आमेन, जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से। ओके, कभी बने रहना है, क्योंकि वचन कहता है जब यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को अच्छा किया तो लिखा जब उसे दोबारा मिला उसकी 38 साल की बीमारी चलेगी। तो जीसस ने कहा देख तू अच्छा हो गया है, तू चंगा हो गया है, अब दोबारा पाप ना करना, ऐसा ना हो फिर से वो विपत्ति तुझ पर, ऐसा ना हो कि उससे भी ज्यादा आए। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि जब हम फ्री होते हैं, क्या होते हैं, जब हम फ्री होते हैं तो खुदा का वचन हमें कहता है उसमें अपनी हीलिंग में, अपनी चंगियाई में, अपनी बरकत में हमने बने रहना है, तो अपने बने रहना है। खुदावंद आपको और भी ज्यादा बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा। अब उसे समझना है वो कौन है। लोग तो उसे समझते हैं कि वो दुनिया वाले उसे समझते, नहीं नहीं, जो जीसस के पास आते हैं वो पैसे देते हैं, वो धर्म बदलते हैं, आपका जीवन बदला, आपका बच्ची का, आपका के धर्म जीवन बदला, जीवन बदला है। पर ये ऐसी बात है दुनिया में, कितने जो जहां पे बैठे हैं धर्म बदला के जीवन बदला है, क्या बदला हमारा, क्योंकि वो इसीलिए इस दुनिया में आया है। आमेन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू, और मैं सबको बहुत बरकत दूं।